नाम प्रतीक्षा और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीरज जैन जी, जो प्रदेश सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल में हैं और साथ ही साथ वार्ड 55 के आप वार्ड पार्षद भी हैं। नीरज जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए आप, इस समय देश में कोरोना है, इस समय देश में पूरा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हम देख रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों के लिए लोग बहुत आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनमें इतनी सेवा भावना है कि अगर मान लीजिए देश में लॉकडाउन चल रहा है, कई ऐसे घर परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और उनको ये दिक्कत थी कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा लंबा चलता है या 21 दिन का ही है तो भाई हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे, घर के लोगों को हम कैसे खाना पानी मुहैया कराएंगे। तो ऐसे में देश के लोग आगे आए, जनता आगे आई, बड़े बड़े जो घराने थे वो आगे आए, साथ में ही वार्ड पार्षद आगे आए, कई एनजीओस आगे आए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जरूरतमंद भी अचानक से बहुत आ गए, बाढ़ आ गई और साथ ही साथ में दानदाताओं की भी बाढ़ आ गई है। ये ऐसा क्या नज़ारा हो रहा है इस बार शहर में? प्रतीक्षा जी, इस पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इस महामारी से लड़ने के लिए ये भारत देश एक साथ जी। सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जी। पुलिस के साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ जी। नर्सों के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ, हमारे स्वच्छता सैनिकों के साथ जो कि इस महामारी से लड़ रहा है, इस देश की जनता कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उसका साथ दे रही है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों। और जनता जब ऐसी लड़ाई में कंधे से कंधा, क्योंकि ये युद्ध से बड़ी लड़ाई है, क्योंकि युद्ध तो एक हमें दुश्मन जो हमें पता होता है कि किस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं उससे युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन वो ये कोरोना महामारी, ये महामारी ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमको लड़ना है। और जितना अच्छा ये युद्ध इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा दो बातें कही, मैंने कहा पहली बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को बहुत अच्छे से हम लड़ रहे हैं और इसकी तारीफ WHO भी कर रहा है, UNO ने की है, डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका वो भी कर रहे हैं, तो शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छे से इस काम को कर पा रहा है। और हमारे से जो कल्चर जो सोसाइटीज है यूरोप, बिल्कुल यूरोप के जो देश इसको झेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इंडिया सबसे अच्छे तरह से लड़ पा रहा है इस लड़ाई को लड़ने में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने हमको एक अच्छा रास्ता दिखाया, हमको लड़ने के लिए प्रेरित किया और ये देश की जनता पूरे जोर शोर से इस लड़ाई में उनके साथ कूद पड़ी एक अदृश्य छुपे हुए दुश्मन से। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की लड़ाई हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा जी। दूसरा एक बड़ा पहलू आपने कहा कि एकदम से बड़े एनजीओज आ गए, भामाशाह आ गए, बिल्कुल मैं उसी बात पे आना चाहूंगा, भामाशाह आ गए, जरूरतमंद भी बढ़ गए, सब जगह भोजन की व्यवस्थाएं होने लगी है, कहीं राशन बंटना शुरू हुआ है, प्रशासन ने भी अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना शुरू किया है, वो भी कि कोई भूखा ना सोए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भूखा ना सोए, तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राजस्थान में किसी को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, तो उनकी बात को अपने लिए एक वचन की तरह मान करके कई भामाशाह, कई NGO, स्वयंसेवी सहायता समूह, कई समाजसेवी संस्थाएं, कई सामाजिक संगठन, बिल्कुल 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 मैं इसी बात कहना चाहूंगा प्रतीक्षा जी कि वो निकल पड़े हैं कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और निश्चित रूप से यही इस देश का वैशिष्ट्य है कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, उसको चरितार्थम करते हैं। आपको कहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, किसी कंट्री में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई बीमार हो जाए तो उसको संभालने वाला कोई है, कोई भूखा है तो उसको रोटी देने वाला है, वहाँ सब कुछ सोशल सिस्टम से चलता है, प्रशासन से चलता है। यहाँ प्रशासन बाद में आया, जनता और समाज सेवी संस्थान पहले निकलकर मैदान में आ गए और निश्चित रूप से शुरुआती दिनों में उन्हीं समाज सेवी संस्थानों ने, उन्हीं भामाशाहों ने इसको संभाला।
तब जाकर प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को खड़ा कर पाया, सुचारू कर पाया। आज प्रशासन व्यवस्था करने में उतरा है, तो निश्चित रूप से मुझे आपको ये मानना चाहिए कि अगर ये इस देश का वैशिष्ट्य नहीं होता तो हाहाकार मच जाता, क्योंकि इस देश में आज भी मैं आ ही रहा हूँ उस सवाल के जवाब पे कि इस देश में दैनंदिन मजदूरी करने वाले, अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले, प्रतिदिन की अपनी मेहनत से अपना घर का रोज कुआं खोदकर अपना पानी पीने वाले, प्रतिदिन की मजदूरी से अपना घर का राशन चलाने वाले, ऐसे बहुत बड़ी संख्या, बहुत ही संख्या है, उन तक एकदम लॉकडाउन होने पर उनके पास भी जरूरत की चीजें नहीं थी, बड़ा संकट उनके सामने था, लेकिन हमारे इन भामाशाहों ने, इन समाजसेवी संस्थाओं ने इसको संभाल लिया। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो आप कह रहे हैं कि एकदम से देश में जरूरतमंदों की बाढ़ भी आ गई है, जरूरतमंद लोगों की बाढ़ भी आ गई। और हाँ, ये भी सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने भी एक अभिनव प्रयोग यहाँ पर अजमेर में किया, हमारे द्वारा भी, क्योंकि जिस दिन ये लॉकडाउन हुआ उसी दिन हमने तय किया सभी 60 पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे महापौर महोदय के साथ, हमारे दोनों विधायकों के साथ, कांग्रेस और बीजेपी के जिलाध्यक्षों से चर्चा करके, हमारे मित्र चंद्रेश जी का आइडिया था, उनके साथ मिलकर हमने तय किया कि हम जनता रसोई चलाएं और जिन वार्डों में इस प्रकार के दैनंदिन मजदूरी करने वाले जरूरतमंद गरीब, ये शब्द काम में नहीं लेना चाहिए गरीब, लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है, जिनकी आवश्यकता है कि जिनको 2 जून का भोजन कैसे मिले, उसके लिए हमने व्यवस्था की और प्रत्येक पार्षद के द्वारा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने भोजन पैकेट बनाकर देना शुरू किया और वो भोजन पैकेट जरूरतमंद तक पहुँचे इसकी सुनिश्चितता पार्षद से और जनप्रतिनिधियों से की। और उस सुनिश्चितता का प्रमाणिकता हमने लाने के लिए, क्योंकि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ऐसा एक कहना नहीं चाहिए, कहते हैं तो हमने इसको मुफ्त नहीं किया, हमने कहा पार्षद बंधुओं को कि आप जो भी भोजन पैकेट हमसे लें उसका मिनिमम 10 रुपया शुल्क दें। एक अभिनव प्रयोग था और सभी पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। आज हम 57,000 से ज़्यादा भोजन पैकेट पिछले 14 दिन में दे चुके, उन 57,000 भोजन पैकेट का, एक एक भोजन पैकेट का रिकॉर्ड हमारे पास है, किस वार्ड में कितना पैकेट गया, उसका कितना शुल्क आया, किस वार्ड में कब जरूरत महसूस हुई कब नहीं हुई, तो जरूरतमंद तक पहुंचे, ये हमने व्यवस्था की। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी सामने आया कि ये जरूरतमंद एकदम से बढ़ गए। देखिए, हमारे यहाँ पर देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी, ऐसी कहावत के साथ हमारे कई भामाशाह समाजसेवी संस्थान निकल पड़े। उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि जिनको दे रहे हैं उनको जरूरत भी है या नहीं, या जिनको दिया है वो पहले किसी से ले चुके क्या, इसकी तो इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, या तो ये ये, 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 की भी जिम्मेदारी नहीं, 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 आप देखिए, ये देखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आगे कितना चलेगा ये भी नहीं पता है, तो ऐसे में अन्न की बर्बादी नहीं हो ये कौन निश्चित, हम सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से हमने आग्रह निवेदन किया। आपको नहीं लगता कि इस मसले पे देर हो चुकी है? नहीं, देर नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन ने इसको कंट्रोल की बर्बादी हमें सड़कों के किनारे, प्रतीक्षा जी मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, प्रशासन ने जब हमको, सभी समाज सेवी संस्थाओं को, इन क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को एक साथ बैठाया, तो मेरे द्वारा इस पर सवाल उठाया गया कि हम दिन भर में जितना भोजन बांट रहे हैं, जितना फूड पैकेट्स बना रहे हैं, क्या वो प्रॉपर स्थान पे जा रहा है? बिल्कुल सही बात। और मेरा उस समय निवेदन था, आग्रह था प्रशासन से कि सभी एनजीओस की, समाज सेवी संस्थाओं की, सामाजिक संगठनों की और भामाशाहों की जिम्मेदारी तय कर दी जाए वो कितना भोजन पैकेट कहाँ पर देंगे, कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है। प्रशासन ने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, थोड़ा देर हुआ, लेकिन अब वो धीरे धीरे कंट्रोल आता जा रहा है और ये ध्यान में आ रहा है कि कहाँ पर वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा था उस पर कंट्रोल करने का प्रशासन प्रयास कर रहा है, क्योंकि सामाजिक संगठन कहीं निकल पड़े, प्रशासन ने यह भी कंट्रोल किया है, अभी पिछले 3 दिन का बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी कंट्रोल किया है, कुछ लोग 10 पैकेट लेकर निकल पड़े समाज सेवा करने के लिए। कोऑर्डिनेशन की कमी रही, क्योंकि बिल्कुल सामंजस्य, बिल्कुल सामंजस्य का कहीं ना कहीं अभाव था, प्रशासन अपनी तैयारियों को प्रॉपर नहीं कर पाया था, समाज सेवी संगठन अपने पहले निकल चुके थे, सामाजिक संगठन अपनी व्यवस्थाओं में पहले निकल चुके थे, उनको रोकना, उन पर कंट्रोल करना, उनको सही दिशा देना,
ये काम प्रशासन का था, प्रशासन उसमें लेट हुआ, लेकिन देर आया दुरुस्त शायद। प्रशासन का दूसरा आग्रह जो था, मैंने भी उस पर काम किया कि हम बजाय फूड पैकेट्स देने के, क्योंकि जिन झोपड़पट्टी में, झुग्गियों में जरूरतमंदों को हम फूड पैकेट बना के दे रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट भी है क्या? जब तक मैंने देखा है कि वो खाना जो बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, या मान लीजिए किसी के भी माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, वो खाना घूम फिर के जानवरों के सामने पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हमारे आग्रह भी आपके इस वार्ता के माध्यम से मैं समाजसेवी संस्थाओं से करूंगा, सामाजिक संगठनों से करूंगा, कि पुण्य कमाने के चक्कर में हम पाप के भागी ना हो जाए। क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा ज़रूर लगाएं और जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाएं, क्योंकि हम जिनको दे रहे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है, इसका अंदाज़ा लगाना हमारी महती जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रशासन ने 3 और 4 फेज में कुछ नई चीज़ें की हैं, मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा, जिससे समाज सामाजिक संगठनों को ध्यान में है। सरकार ने BPL कार्ड, जिनके द्वारा राशन कार्ड धारी थे, उन तक प्रत्येक परिवार सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं उन तक पहुंचा दिया है, BPL कार्डधारियों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिन परिवारों को खाद्य, जिनको अनाज मिलना चाहिए था, उनको राशन की दुकानों से अनाज मिल चुका है। तीसरा, BLO ने जो चिन्हित किए हैं परिवार जो BPL नहीं है, खाद्य सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनको परिवार को राशन की ज़रूरत है, ऐसे BLO ने चिन्हित करके तकरीबन 7-8 हज़ार परिवारों को, ऐसे परिवारों को राशन, सूखा राशन पहुंचा दिया है 7 दिन का। इसके केंद्र की सरकार ने प्रत्येक खाते में 1,000 रुपया जिनका जनधन में खाता है, ऐसे परिवारों को पहुंचाना शुरू किया। आज बैंक्स के बाहर ऐसे लोग जाकर के, ऐसे परिवार की महिलाएं जाकर के अपना पैसा निकलवा रही हैं। केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना में सबको फ्री गैस सिलेंडर अगले 3 महीने तक देने का निर्णय करके उनको दिलवाना शुरू किया। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 महीने का राशन उनको दिलवाना शुरू किया। इसके अतिरिक्त जिनके पास मजदूर डायरी है, ऐसे मजदूरों को 2,500 रुपये प्रत्येक मजदूर डायरी पे दिलवाने की योजना केंद्र सरकार की, वो राज्य सरकार अगले 1-2 दिन में देने वाली है। तो मैं यही बता रहा हूं, ऐसे परिवारों को छोड़कर जिन परिवारों का APL का कार्ड है, उनको राशन नहीं मिल रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज भी अधिसंख्य 50% परिवार, क्योंकि BPL में, खाद्य सुरक्षा में, उज्ज्वला योजना में, या मजदूर डायरी से, वृद्धावस्था पेंशन से जिनको पैसा मिला है, वो एक लिमिटेड 50% लोग है, लेकिन 50% लोग आज भी ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बंद है, जिनकी मजदूर डायरी नहीं बनी है, जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, जो किसी योजना का लाभ उठा चुके, जैसे आयुष्मान योजना का लाभ किसी ने उठा लिया, तो सरकार की गाइडलाइंस, जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें उनको राशन नहीं मिलेगा। जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवा लिया, उसको भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया। तो 3 दिन पहले हमने इस विषय पर भी कलेक्टर साहब से बात की कि ये जो गाइडलाइन है, ये आपकी गलत है, क्योंकि जिसका मकान है उसके पास राशन होगा, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। जिसको गैस मिल गई, वो गैस तो पिएगा नहीं, गैस पे बनाने के लिए अन्न तो चाहिए। जिसके पास आयुष्मान योजना में जिसने लाभ लिया है, उसको भी राशन चाहिए। तो इन लोगों को छूट दी जाए, तो शायद विधायक मदद से जो राशन मिलने वाला है उसमें इनको छूट दी जाएगी। तो मैं इन सब NGOs को बताना चाहता हूँ, इन परिवारों के राशन कार्ड चेक करें, उसके बाद इनको भोजन पैकेट दें, इनको सूखा राशन दें, क्योंकि ये भी जानकारी आई है, एक ही परिवार के 5 लोग लाइन में लगे और हमारे भामाशाह ने जाकर के एक ही परिवार के 5 लोगों को सूखे राशन के पैकेट दे दिए और उनके घर में आज राशन भरा हुआ है। वो राशन भरा हुआ नहीं है, वो घूम फिर के दुकानों में। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा शर्म का विषय है कि जरूरतमंदों ने इस जरूरत का बेजा फायदा उठाया और भामाशाहों और समाज सेवी संस्थाओं का दिया हुआ ये जो सहयोग है इस देश के इस संघर्ष काल में, उनका जो सहयोग है उसका मजाक उड़ाया। नहीं नीरज जी, जो 21 दिन का लॉकडाउन था वो तो अब समय सीमा समाप्त होने की कगार पे आया, ये अलग बात है कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन
इतनी देर क्यों हो गई हमें ये सब लिस्ट बनाने में? या अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये देखिए आप, मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ, अगर मैं सब्जी वाले के पास जा रही हूँ, फ्रूट्स ले रही हूँ, सब्जी ले रही हूँ, मैं उससे पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं जी हमको नहीं मिला, तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा? ये बात हुई अभी आपने जैसे बताया निम्न वर्ग के लिए, और आपने बहुत विस्तृत से बताया, सबको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये बताइए कि उन व्यक्तियों का क्या है कि जिन, देखिए भारत में जरूरी नहीं है कि धनाढ्य सबको ही है, एक मिडिल क्लास, एक आम जनता आती है, एक मिडिल क्लास परिवार आता है, तो संकट तो उसके सामने भी है ना, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग या आपके एनजीओज वगैरह? प्रतीक्षा जी, बिल्कुल आपने मेरे मन की बात, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, सामाजिक संगठनों के जो प्रमुख हैं उन लोगों से, समाज सेवियों से, भामाशाहों से मैं व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह करता रहूं, और आज आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन 15 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जिन परिवारों को सरकार ने सुविधा पहुंचा दी, सहयोग पहुंचा दिया, या एनजीओज ने या समाज सेवी संस्थाओं ने पहुंचा दिया, वो तो प्रशंसनीय है, लेकिन अब ऐसे परिवार जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो न बीपीएल में, न एपीएल में, न किसी योजना का लाभ ले पा रहे हैं, वो लोअर मिडिल क्लास, मैं जातिगत विभेद में जाना चाहूँगा क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है, मेरा इसको कोई अन्यथा ना ले, हमारे अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि हम दान करने के लिए रहते जहाँ हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास में अगर हम नज़र डालेंगे, थोड़ी नज़र घुमाएंगे दाएं बाएं, तो हमको ध्यान में आएगा हमारे पास में पड़ोस में काम करने वाला नाई, हमारे घर में काम करने वाली बाई, हमारे पड़ोस का धोबी, हमारे पड़ोस का नाई दर्जी, खाती बढ़ई, लुहार, सुथार, कुम्हार, छोटी मोबाइल शॉप चलाने वाला, छोटा मोटा गारमेंट का काम करने वाला, छोटा मोटा कोई शॉप लेकर बैठने वाला, कोई चाय की दुकान करने वाला, कोई ठेले चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई टेम्पो चलाने वाला, ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो कि 2 कमरे के मकान में तो रह रहे हैं, घर में उनके मोटरसाइकिल भी होगी, उनके घर में फ्रिज भी होगा, उनके घर में टीवी भी होगा, लेकिन 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 पिछले 20 दिन में उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, किसी नाई ने अपनी दुकान खोल के किसी के बाल नहीं काटे, किसी दर्जी ने कोई पैंट नहीं बनाई, किसी चाय वाले ने किसी को चाय नहीं बेची, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बस बस मैं वही बात आग्रह आपसे भी कर, आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाह रहा हूँ, इन परिवारों को ढूंढिए, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान के कारण, क्योंकि मेहनत, आप हम लोग के प्रतिनिधि हैं, ढूंढना, मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक सामाजिक संगठन को चलाने के नाते हम अपने आसपास ऐसे परिवारों को ढूंढें, क्योंकि वो स्वाभिमानी है, वो मेहनतकश लोग हैं, उनके आंख में शर्म है, वो आपसे मांगने नहीं आएंगे, वो आपके आसपास आकर नहीं कहेंगे मुझे भोजन दीजिए, मुझे भोजन नहीं मिला है, वो अपने बच्चों का पेट काट करके अपने पेट को दबा करके बैठे होंगे, खाना उनको नहीं मिल रहा होगा, ऐसे परिवारों तक चुपचाप गुपचुप हमने जो योजना बनाई है वो तो मैं बताऊंगा ही, आप सबसे आग्रह भी है सभी सामाजिक संगठनों से, ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने की कृपा करें, निवेदन है, उनको भोजन मत दीजिए, उनको सूखा राशन दीजिए, 5 दिन का 7 दिन का 15 दिन का ये लॉकडाउन जब तक चले, क्योंकि हम, मुझे पता है इस देश के भामाशाहों की, सामाजिक संगठनों की, समाज सेवियों की इतनी कैपेसिटी है कि ये देश अगर 6 महीने भी लॉकडाउन चले तो उसको लॉकडाउन को आप लोग अपने दम पर इस लड़ाई को भरपाई कर सकते हैं, इस लड़ाई को जिता सकते हैं, हमारे द्वारा जो किया वो बता रहा हूँ, जनता रसोई अपनी जगह चल रही है, जो पार्षद अक्षय पात्र का खाना नगर निगम का जो बंद कर दिया था वो वापस शुरू हो गया। अच्छा, ये बंद क्यों हुआ, ये कोऑर्डिनेशन आपको, ये भी मैं बताऊंगा आपको, उससे जो भोजन जा रहा है वो उन लोगों के लिए है जो त्वरित गति से, जिनको तुरंत भोजन चाहिए, जिनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि घर में गैस होगी लेकिन अन्न नहीं है, अन्न है तो दाल नहीं है, दाल है तो मसाला नहीं है, उन घरों तक पार्षद के तुरंत भोजन पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने ऐसे परिवार आइडेंटिफाई किए, वो हमारे अड़ोस पड़ोस का सुनार है, लुहार है, कुमार है, नाई है, मोची है, धोबी है, चाय वाला, मैं ये सरनेम लेकर के, इसलिए ये हमारे काम करने वाले हमारे सबसे मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, हाँ, इनके बिना हम एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे अड़ोस पड़ोस के कुमार होंगे जो घड़ा बेच करके इस गर्मी में अपना परिवार पालने वाले थे, पेट पालने वाले थे, वो अपना घड़ा नहीं बेच पाए, हमारे आसपास का दर्द, वही बता रहा हूँ, हमने ऐसे लोगों की सूची बनाई हमारे वार्ड में,
और तकरीबन अभी तक देवनानी जी, हमारे महापौर धर्मेंद्र गहलोत, इनके सहयोग से सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, इस अजमेर में तकरीबन 27 वार्डों में 1750 किराने के फूड पैकेट ऐसे बनवा करके सूखे सामान के मुफ्त में नहीं दिया, मुफ्त में नहीं दिया, कुछ हमने बिना पैसे भी दिया, 350 रुपये का पैकेट देवनानी जी के सहयोग से, धर्मेंद्र जी के सहयोग से हमने बनवाया, जिसमें हमने 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, दाल, तेल, ये 350 रुपये का पैकेट बनवाया, जिसको 175 रुपये में आधी रेट में, जो बाजार मूल्य है उससे आधी रेट में हमने हमारे पार्षदों के थ्रू, हमारे जनप्रतिनिधियों के तरह, समाज सेवियों के थ्रू, ऐसे आइडेंटिफाइड जो लोग थे, ऐसे चिन्हित परिवार थे जो न एपीएल में आते हैं, न बीपीएल में आते हैं, न राशन, न खाद्य सुरक्षा में आते हैं, जिन तक सरकार की नज़र नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया और हम उसमें 80% तक सफल हुए। अच्छा, अभी आप मैं मेरे वार्ड में ऐसे तकरीबन 57 परिवारों को राशन पहुंचा चुका, जिसकी लिस्ट मेरे पास में, इस मैं उनका लिस्ट डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो स्वाभिमानी लोग हैं, व्यक्तिगत दिखा सकता हूं। इसके अलावा भी ऐसे परिवार भी जो इससे भी ऊपर है, लेकिन आज उनकी पारिवारिक स्थिति, हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी से मांगने जा पाए। इन तक तो हम चले गए, हमने उनसे बात की, उन्होंने अपने बात करने पे मन की पीड़ा को हमको बता दिया, लेकिन जो परिवार ये बताने को तैयार नहीं थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी से बात करके चुपचाप वो फूड पैकेट उनके घर तक पहुंचवाए, ऐसे भी तकरीबन 50 से 55 नाम मेरे पास में हैं जो बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन आज स्थिति, क्योंकि उनका मकान बड़ा होगा, लेकिन आज उनकी पारिवारिक स्थिति ये नहीं है कि महीना भर, क्योंकि 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये की कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वो 15 हज़ार की नौकरी जिस सेठ के यहाँ कर रहे थे या जिस मालिक के यहाँ कर रहे थे, वो उसको वो सैलरी नहीं दे पाया, सैलरी नहीं देने से उनके घर में पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, राशन खत्म होने के बाद में किराने की दुकान पे जाकर उधार नहीं ला सकते थे। नहीं, और कई परिवार ऐसे जिनके मुखिया जो कमाने वाले थे, वो कमाने तो बाहर के भाई शहरों में हैं, हाँ। और वो लॉकडाउन के चलते अपने घर भी वापस नहीं आ सके, घर भी। अच्छा, अभी आपने ये बात बोली थी कि हमारा ये प्रयास है कि कोई भूखा ना सोए, आपने बताया बहुत अच्छा, आप खाने भी पैकेट भी आप दे रहे हैं, रॉ मटेरियल भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अब आप भूखी नहीं सो रही है, ये निश्चिंत है अभी तक या नहीं? मैं इस बात में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है इस के सवाल के साथ में, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो खामियां नजर आई, इनको लेकर 3 दिन पहले भी हमारे, 2 दिन पहले भी हमारे द्वारा कलेक्ट्रेट में हम गए थे हमारी बात करने के लिए, हमारा विषय रखने के लिए, हमारी परेशानी रखने के लिए, लेकिन प्रशासन का जिस प्रकार का लापरवाही और जिस प्रकार के लचर रवैया था, उसमें शायद अब सुधार हुआ है। अब उन्होंने प्रशासन का कहना है कि आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं, नहीं 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 प्रशासन, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन उसका शिकार तो आम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, प्रशासन जनप्रतिनिधि को माइनस करके कुछ काम करना चाहते हैं, करें जी, स्वागत है, लेकिन उनके द्वारा जो काम करवाया गया उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। उनके जो बीएलओ गए, उन्होंने जो लिस्ट बनाई, उन लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों को राशन दे दिया गया जो कि बहुत संपन्न परिवार थे, और जो वंचित परिवार थे उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने का जो क्राइटेरिया था, मैंने बताया कि मकान बड़ा है, कमरे में उनके मोटरसाइकिल है, उनके घर में टीवी और फ्रिज है, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हर एक मकान में हो सकती है, वो चाहे मैकेनिक का काम करने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, उन्होंने इस रिक्वायरमेंट के आधार पर उनको चिन्हित ही नहीं किया। तो ऐसे कारण, और दूसरा जो भोजन पैकेट, जो भोजन प्रशासन बांट रहा था, अब उसकी व्यवस्था नगर निगम ने ले ली है। भोजन पैकेट प्रशासन बांट रहा था, प्रशासन ने कहा हमने किराने का सामान पहुंचा दिया है, इसलिए अब किसी को भोजन पैकेट की जरूरत नहीं है, जो कि आधा सच था, क्योंकि जिनको बीपीएल का राशन मिला उनको सिर्फ गेहूं मिला, उन्हें दाल नहीं मिली, उन्हें मसाला नहीं मिला, उन्हें तेल नहीं मिला, इसके बिना भोजन नहीं बन सकता। जिनको खाद्य सुरक्षा में गेहूं मिला या अन्न मिला, उनको दाल नहीं मिली, चावल नहीं मिला, तेल नहीं मिला, मसाला नहीं मिला, उनका भोजन नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवारों के पास ये जो अन्नपूर्णा का जो अक्षय पात्र का भोजन था वो आता था, हम किसी न किसी कॉलोनी में ले जा करके वहाँ रखते थे, वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रशासन ने एकदम से बीएलओ के चिन्हित होते ये कह दिया कि अब आवश्यकता नहीं है, हम बंद कर देते हैं। बंद करने का नुकसान ये हुआ कि जिन परिवारों को जो एपीएल में नहीं आते, बीपीएल में नहीं आते,
और जो किसी तरह चिंतित नहीं हुए, जिन तक कोई सरकार का सहयोग नहीं पहुंचा या सहायता नहीं पहुंची, आर्थिक मदद नहीं पहुंची, उन तक वो भोजन नहीं पहुंचा। भोजन नहीं पहुंचने का मतलब था वो भूखे सोए, क्योंकि हमारे पास भी उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी एंड मोमेंट पे। और इसको हमने जब प्रशासन से बात की तो ध्यान में आया कि उनको भी एहसास हुआ कि गलती तो हुई, और अगले दो दिन उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत ने तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए हमारी मीटिंग कॉल की। मीटिंग में निर्णय लिया कि 60 पार्षद 1-1 लाख रुपए का अपना जो सहयोग है, क्योंकि विकास का शुल्क फंड जो आएगा उसमें जीसी में हम प्रस्ताव बाद में पारित कर लेंगे, परिभ्रमण प्रस्ताव के द्वारा 60 लाख रुपए उस फंड में डाले। और मेरे द्वारा ये प्रश्न उठाया गया था कलेक्टर साहब के सामने भी, प्रशासन के सामने भी, कि जिस 6400 लोगों का खाना बंद किया उस खाने की मैक्सिमम कीमत 1,28,000 रुपए पर डे है। राहत कोष जो है, प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है, एनडीआरएफ कोष है, उसमें करोड़ों रुपया प्रशासन को आया। मात्र 1,25,000 रुपया खर्च करके अगर हम 6400 लोगों का पेट भर सकते थे पूरे सुबह और शाम का, तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई, उसको बंद कर दिया। आज चालू किया गया, शायद 7500-7600 लोगों तक, अब तो और बढ़ा दिया मेयर साहब ने। मेरे यहाँ अभी तक 100 लोगों का भोजन आता था, अब 150 का भोजन आएगा। मेयर साहब ने उसको बढ़ाया, मैं साधुवाद देता हूँ मेयर साहब को, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। क्योंकि आज हम यहाँ बैठ करके तो चर्चा कर सकते हैं, कमरे में बैठकर कोई भी निर्णय कर सकता है, लेकिन मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से, अमलों से, उनसे आग्रह निवेदन है। अब उन्होंने BLOs भी, अब उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए हैं, जो उस क्षेत्र में जाकर के उन चीज़ों की चिंता करेंगे। प्रशासन जाता इन कच्ची बस्तियों में जाकर के, वहाँ चाहे वो रामदेव नगर हो, चाहे रात्रि डांग हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे आतेड़ कच्ची बस्ती हो, राजीव कॉलोनी हो, या झलकारी भाई बस्ती हो, इन बस्तियों में जाता और जाकर के देखते कि वस्तु स्थिति क्या है, किनको भोजन मिला, किनको नहीं मिला। क्योंकि जो भोजन लेने वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनको BPL का राशन भी मिल गया होगा, लेकिन घर में मसाला नहीं है तो सब्जी नहीं बना सकते, गेहूं तो नहीं खाएगा। नीरज जी देखिए, मेरे पास टाइम लिमिट है क्योंकि हम ज्यादा वक्त जी बिल्कुल, ये लंबा विषय, लंबा चर्चा हो सकती है। ऐसी क्या बात आई कि SP साहब को ये कहना पड़ा कि अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं या आप किसी को राहत सामग्री दे रहे हैं तो आप उसकी फोटो सोशल मीडिया पर मत वायरल कीजिए? बिल्कुल, ये मैं उनको ये बड़ा पड़ा पब्लिकली आके, ये सरकार का निर्णय है जी, और SP साहब ने अगर ये पब्लिकली कहा तो बड़ा प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से जी। कारण है कि कुछ लोग तो देखिए, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए जी। कुछ अच्छे कॉज के लिए काम करने वाले लोग हैं तो कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण काम करने वाले भी हैं। तो जो अच्छे कॉज में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी छवि समाज में ऐसी बन रही थी कि ये सिर्फ इस कारण से काम कर रहे हैं कि अपना फोटो खिंचाएं, फेसबुक पे लगाएं, सोशल मीडिया पे डालें, प्रिंट मीडिया में जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाए। इस पर रोक लगने से दो बातें बहुत अच्छी हुई है प्रतीक्षा जी, इसको अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए। एक तो फैक्चुअल स्टेटस में जिनको काम करना, वस्तु स्थिति में जो काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए आज भी मैदान में, आज भी काम कर रहे हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, हमारा हाँ सोशल कॉज के लिए हमारा काम है तो हम उसको कर रहे हैं। दूसरा, जो इस प्रकार का न्यूसेंस पैदा कर रहे थे सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उन दिखावे के लिए कहना चाहिए, वो आज धीरे धीरे साइड ट्रैक हो गए, वो दिखना आपको बंद हो जाएंगे, ना मीडिया में दिखें ना प्रिंट मीडिया में दिखेंगे। जिस काम को लेकर के वो जा रहे थे वो काम पर कहीं ना कहीं सरकार का प्रतिबंध लगा है, तो सीधी सी बात है उनको घर बैठना है, तो वो आपस घर बैठ करके आप उस पर चर्चा जरूर करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो डिबेट है, इस डिबेट पे भी अभी कमेंट आएंगे, कई लोगों के अच्छे कमेंट आएंगे, उसके बुरे कमेंट आएंगे, क्योंकि लगता सबको ये लगता है कि जनता के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है जनता को संभालना। लेकिन मेरा इस पर एक निवेदन और आग्रह है, हम लोग, मैं जनता से अलग नहीं हूँ, जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना ये मेरा सौभाग्य, जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना ये मेरा सौभाग्य, लेकिन जनता के लिए, जनता के सहयोग से, जनता के हित में हमने अगर कोई काम कर दिया तो किसी पे एहसान नहीं किया है, और इस एहसान को, जनता के एहसान को मानना चाहिए। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस काम को अच्छे से कर पाएं, और इस महामारी के मौके पे, इस महामारी के मौके पे देश जिस प्रकार संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये बहुत, देखिए प्रतीक्षा जी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी मैं, आपने बात बहुत अच्छी बोली कि हमें एक साथ होना चाहिए।
कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब हमारी टीम उनसे मुखातिब हो रही है, बातचीत कर रही है, तो कुछ ऐसे भी पार्षद हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के हैं या आप कांग्रेस के हैं। अच्छा जी, ये राहत सामग्री रखिए, लेकिन अगला जो वोट होगा आप बीजेपी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए। ये चीजें हमारे सामने आई है, ये क्या है? निंदनीय, ये नहीं, ये ओछी राजनीति का हिस्सा, निंदनीय कृत्य है। जरूरत है कि आप राजनीति से बहुत ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी स्वार्थों को छोड़कर हमको जनता की सेवा के लिए अगर जनता ने चुना है तो वो किसका समर्थक है, किसका विरोधी है, इस पर नहीं जाना चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता जो है उसके पेट में भोजन होना चाहिए। वो किस पार्टी से जुड़ा है, किसका विचार का समर्थन करता है, इस पर नहीं जाना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और बाकी पार्टियाँ भी कह रही है। और मैं थोक कर कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर, क्योंकि देश की जनता ने तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में, इस जनता कर्फ्यू में, एक वार्ड पार्षद के नाते ये मैसेज आपके थ्रू, मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में मेरा प्रयास है, मैं अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी लेकर के कह रहा हूँ, मेरी तरफ से इस प्रकार का दुभात नहीं होगा, ऐसा पक्षपात नहीं होगा, न करता हूँ न करूँगा। मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे द्वारा जो भोजन का वितरण हो रहा है, या मेरा नहीं कहना चाहिए, वो जनता के हित में, जनता द्वारा, मुझ जनप्रतिनिधि द्वारा जो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो अब जनता तो ये माने कि अक्षय पात्र है, जनता रसोई है, एनजीओज हैं और वार्ड पार्षद हैं, सब अब ये कोऑर्डिनेशन के, बिल्कुल समन्वय के साथ काम कर, प्रशासन के, प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए करना ही चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कई, मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की, समन्वय की कमी थी, उस समन्वय को दूर करना चाहिए और जो कमी को दूर करना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए, सामाजिक संस्थानों को, एनजीओस को इसमें अपने साथ आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए, तभी इस महामारी से हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जी, नहीं तो आप लोग ये वचन देते हैं जनता के सामने? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता का जो सहयोग बन पड़ेगा वो करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि वो जनता केवल मात्र मेरे वार्ड तक ही नहीं, मेरे पास पूरे शहर से कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं आती है, मेरा प्रयास रहता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कोई भामाशाह जो उस क्षेत्र में रहता है, उसके द्वारा उनका समस्या का समाधान करवाऊँ और क्रॉस चेक भी करता हूँ। नहीं, अच्छा ये बताइए कि कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो भामाशाहों से ले रही हैं, इस तरफ से ले रही हैं और इस तरफ से दे रही हैं, लेकिन जो नाम हो रहा है वो सामाजिक संस्थाओं का हो रहा है। देखिए, इसमें मेरा 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 इसमें इतना ही कहना है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। अभी इसमें मेरा ये कहना है, जो सामाजिक संस्थाएं ऐसा कर रही हैं ये जनता सब जानती है, ये जनता सब समझती है कौन क्या कर रहा है, कौन किस जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। तो अगर एक प्रॉपर चैनल के नाते अगर ये काम हो रहा है कि जैसे भामाशाह है लेकिन उनको रास्ता नहीं पता किस रास्ते में हमको जाकर के इस काम को करना चाहिए, जनहित में जनता का सहयोग करना चाहिए, जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनमें अगर कोई चैनल बनकर के आता है, कोई संस्थान और उस काम को करती है, उनके बीच में, जनता और भामाशाह के बीच में चैनल के रूप में, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए इस समय, क्योंकि एक तरफ तो देश कोरोना से लड़ रहा है लेकिन यहाँ कुछ ऐसी अंदरूनी लड़ाई है, बिल्कुल तो हमें एकजुट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जन्म, धर्म, जाति, इन सब से बहुत ऊपर उठ के हमें सेवा के लिए आगे आना चाहिए। धर्म, जाति, राजनीति बहुत बड़ी, सब ऊपर उठेंगे तो ये देश बचेगा। हम भी इस चीज का इंतजार करते हैं कि जितने भी भामाशाह हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और जितने भी वार्ड पार्षद हैं, खासकर प्रशासन है, सब साथ में कोऑर्डिनेशन करके चले, क्योंकि यहाँ बात आती है इंसान की भूख की। देखिए, भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। कोरोना से फिर भी हम लड़ लेंगे, लड़ ही रहा है देश, लेकिन भूख से लड़ना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए अगर आप लोग आगे आए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि चलिए, हमने आपको जनप्रतिनिधि चुना अपना और इस मकाम पे आप आए हैं, और आप अपने, चाहे अपने एरिया के हों, चाहे लोग अदर एरिया के हों, आप लोग इस तरह से उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नीरज जी, आपके जरिए मैं यही सोच रही हूँ अब कि इस तरह की जो अभी हमने देखा है, एक अंदरूनी जो लड़ाई या नाराजगी कहे हम, वो सामने आई थी, वो नहीं आएगी अब। सब आप लोग कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे और
आप किसी घर में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये नीरज जी का वादा है आपसे। वादा मैं करता नहीं, क्योंकि वादे टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती है, और मैं इस कोशिश को लगातार करता रहूंगा कि जब तक अजमेर में कोई एक भूखा है उस तक भोजन पहुंचे। ये प्रयास चाहे प्रशासन के थ्रू, चाहे जनप्रतिनिधि के थ्रू, चाहे सामाजिक संस्थाओं के थ्रू, चाहे भामाशाह के थ्रू, इस प्रयास को लगातार करते रहेंगे। इस लड़ाई को, बिल्कुल इस लड़ाई को लड़ते लड़ते रहेंगे, और इस लड़ाई को लड़कर जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे, देश जीतेगा, कोरोना हरेगा, और इस प्रकार के जो जनता की जो समस्या उसका समाधान हम करके रहेंगे। तो चलिए आप भी देखिएगा कि आपके वार्ड पार्षद ने कितना बड़ा वादा किया है, और निभाते हैं या नहीं निभाते हैं हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन उम्मीद यही, उन्होंने कहा है कि कोशिश कामयाब होती है और वार्ड पार्षद हमारे कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत है तो आप अपने नजदीकी वार्ड पार्षद के पास जाइए, उनको फोन करिए। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, उनको फोन करिए। आज प्रशासन ने भी सेक्टर वाइज प्रभारी लगा दिए हैं, उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है, इंचार्ज बना दिए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है कि अगर आपके पास भोजन सामग्री नहीं पहुंच रही है तो आप उन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो लिस्ट पूरी दे सकता था, यहाँ पर पढ़ सकता था, और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से उस लिस्ट का लगातार आप उसका वो करेंगे तो ध्यान में आएगा। हर वार्ड का एक प्रभारी लगाया है, सेक्टर प्रभारी बनाए, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी अपना काम कर रहे हैं, हमारे विधायक भी अपना काम कर रहे हैं, और महापौर भी अपना काम कर रहे हैं, हमारे सांसद भी अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी और हमारे प्रधानमंत्री भी सब अपना काम करते रहेंगे तो इस लॉकडाउन से, इस कोरोना महामारी से हम निश्चित रूप से जीतेंगे। तो मरुधरा में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधरा टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।